साथियों नमस्कार। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं भाइयों, बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। हमारे जो है खेत में, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे ताऊ जी भरत सिंह, इनकी एज है भाइयों 70 साल की। और इनकी मैं पिछले बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था कि एक 70 साल की उम्र में इन आदमी की इतनी मेहनत करते हैं ये। ये सुबह आ गए थे 5 बजे और एक बीघा गन्ने पर इन्होंने मट्टी फावड़े से चढ़ा दी। और इस खेत में इन्होंने भाइयों कोई जुताई वगैरह नहीं करवाई, सारा काम फावड़े से करा है। और इनकी आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कोई घास का तुणका नहीं दिखाई देने का आपको इनके खेत में। और जितनी भी इनके पास में अपनी खेती है, चाहे थोड़ी है खेती, 10-12 बीघे के लगभग होगी, अपने बिल्कुल शौक से करते हैं। और इस खेत में पानी भी सिर्फ एक ही आया है। पानी की हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, पर पानी भी बहुत कम देते हैं ये। तो आज आपको इनसे मिलवाते हैं और इनके विचार आप सुनिएगा अभी। हाँ जी, राम राम ताऊ जी। राम राम जी। हाँ जी, पहले एक बार थोड़ा सा अपना परिचय दो जी। मेरा नाम भरत सिंह जी, खेड़ी टप्पा लावड़। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा एक बार अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ, पढ़ाई। मैं LLB हूँ। अच्छा जी, LLB हूँ। और मेरी कोई जॉब तो लगी नहीं, मैंने प्राइवेट संस्था खोली थी जी, एजुकेशन जी, उसमें पढ़ाया मैंने। अच्छा अच्छा, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था 94 में जी, तब से मैं घर पे ही हूँ। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी करता हूँ थोड़ी बहुत जी जी, वैसे ही मेहनत करता हूँ। अच्छा अच्छा, और मेरे विचार जो रिलीजियस हैं, धार्मिक जी, मौर्य समाज से संबंधित हूँ जी। और मैं संध्या उपासना सब जानता हूँ, करता हूँ जी, यज्ञ वगैरह हवन सब की जी जी। मेरी शुरुआत ही ईश्वर के नाम से शुरू होती है, ईश्वर के नाम पे ही रात को बंद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा सब वैदिक ही खान पान है, वैदिक ही रहन सहन है जी, वैदिक ही क्रियाक्रम है जी जी। मैं वैदिक संस्कृति और वैदिक वेदों में ही विश्वास करता हूँ केवल। अच्छा अच्छा। हाँ, कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन है जी, मतलब कर्म ही प्रधान है जी, कर्म ही पूजा है जी। और ईश्वर सत्य है, इसलिए सच का पालन करेंगे तो हम ईश्वर से मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, तो इसके बारे में और बताओ, आप योगा वोगा भी तो करो ना सारे? मैं सवेरे के समय प्राणायाम भी करता हूँ, योगासन भी करता हूँ जी, हल्की माड़ी रेस भी लगाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इतनी उम्र में भी रेस लगा लो 70 साल? हाँ बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अच्छा, 70 ही है, कुछ कम फालतू है? एक आध कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अच्छा अच्छा, नियर अबाउट 70। इतने में तो अब तो 20 साल के लम्बड़ों के तो वहाँ फूल जा, नहीं चलन जा रहा किसी का। मेरी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों ओके हैं। अच्छा अच्छा, सही चल रही है जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा अपने इनके लिए, युवा के लिए बताओ कुछ, इन्हें क्या करना चाहिए? इनके लिए यही है भैया, जैसे काम ही पूजा है जी, अपना सादा जीवन होना चाहिए, उच्च विचार हो जी, और उसी पर फिर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सत्य का पालन करें जी, झूठ से हमेशा दूर रहें जी, तो अवश्य ही वो ग्रो करेगा जी जी, उन्नति करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, कर्म ही पूजा है जी, और कर्म भी वो होना चाहिए जो वैदिक हो जी। देखिए भाइयों, आपको ऐसा लग रहा होगा ताऊ जी को देख के, इन्होंने अपना सारी फैमिली इनकी कामयाब है, नौकरियों पे है सरकारी, और सब अपना मेरिट रहते हैं, पढ़ते हैं। हमारे ताऊ जी जो है अकेले एक गांव से जुड़ा होने के कारण अकेले गांव में रहते हैं। गांव से सहानुभूति भी है, पब्लिक से भी सहानुभूति है जी जी। हर, मैं तो जीव प्रेमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जीव हत्या को पाप मानता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत हो जाता है यहाँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और भाइयों अपनी जो खेती में है, ये रासायनिक खातों का भी बहुत ही कम उपयोग करते हैं, बिल्कुल ना। अगर इनके कुछ दिक्कतें आ गई, बीमारी मारी खेत में आ गई, तो मजबूरी में चलते हैं, वरना पानी भी बचाते हैं। और भाइयों जो अपनी दवाई भी खेती में, इसे अपनी भूमि को रासायनिक खादों से बहुत ज़्यादा बचाते हैं ये। बहुत मजबूरी की बात है तो वो अलग है, क्योंकि आजकल तो फर्टिलाइजर सभी डाल रहे, लेकिन इनके खेतों में अब भी बहुत कम डालते हैं अपने में। हमारे यहाँ जैविक खाद। अच्छा, तो ये मट्टी कितने बीघे पर चढ़ा दी सुबह से? हो गया होगा लगभग 1.25 बीघा। 1.25 बीघा कर दिया होगा। हाँ, एक बीघे पे चढ़ा दोगे आराम से? अच्छा अच्छा, 1 बीघा गन्ना खोद दो। हाँ, तो रेस कितनी मार दोगे अब? रेस 3-4 किलोमीटर। अच्छा। भाई वाह, इनकी भाइयों एक दिन मैं योगा की और आसन की और रेस की भी वीडियो बनाऊंगा। आज आपने इनके विचार सुन ही लिए, आपको इनके विचार ज़रूर पसंद आएंगे। तो भाइयों अगर इनके विचार आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। नमस्कार। देखिए हमारे ताऊ जी के डोले वगैरह देख लो भाइयों, कितनी सफाई से अपने खेत में
एक तुणका इनके खेत में घास का नहीं मिलने का किसी प्रकार का। बहुत ही सफाई में पूरा दिन इन्हें इन्हीं खेतों में रहना है। हाँ जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। और ये जो है अपना मिर्च सब्जी, ये हल्दी बो रखी इन्होंने इस खेत के चारों तरफ ही, ये अपना ये लगाते रहते हैं, पेड़ पौधों से काफ़ी प्यार करते हैं। इसकी इन्होंने एक जुताई करवाई होगी मुश्किल से, एक ही पानी का खेत है वो, पानी बहुत कम देते हैं। और इनका गन्ना देख सकते हैं, इसमें जौ कटे थे सबसे एंड में हुआ था बिल्कुल ही। और इनकी डोली वगैरह आपको दिखा दूँ मैं, सारे दिन इन्हें खेत में रहना और इनकी कार्रवाई चलती रहती है कुछ ना कुछ, घर तो जाना ही नहीं इन्हें भी। और ये देखिए फावड़े से मिट्टी चढ़ा रहे हैं, अभी एक अकबर हल्की आ रही है कुछ मिट्टी, दोबारा फिर चढ़ाएंगे। और खेत देख सकते हैं आप कितना साफ़ है। और इनका ये भी दिखा दूँ मैं, ये देखिए इनकी डोली वगैरह पर इन्होंने हल्दी लगा रखी है अपनी, और कितनी सफाई से डोले बना रखे है, ये भी दिखा दूँ थोड़ा सा। अभी बात करेंगे ताऊ जी से भी। देखिए पहले आपको खेत दिखा दूँ, अगर इसमें आप तुणका पा दो घास का, इतनी सफाई वाला खेत आपको मिलने का नहीं जल्दी सी। ये इनकी मेहनत है सब। और इधर देख सकते हैं आप, ये तीवर सी पेडी होगी ना, दूसरा अच्छा दूसरी है। हाँ दूसरे की है, तो इतनी बरसी तो इसमें थी पीछे वो। हाँ तो ये कैक तारीख का बोया है जी? तारीख तो याद नहीं यार, ये उसमें बोया मई में। मई में? हाँ हाँ बिल्कुल एंड में बोया, बिल्कुल इससे बाद में कोई नहीं बोई गांव में। हाँ तो इसमें जो बो रखे थे पहले? पहले जो थे वो एक महीना लेट हो गई है, काटने वाला नहीं मिला। अच्छा अच्छा, तो जो क्या हिसाब निकट गया जिसमें? इसमें जो निकले हैं ये 2.5 बीघे करीब हो गए, तो इसमें 7 कुंटल निकले। 7 कुंटल जो निकट गए। अच्छा उससे बाद में फिर ये गन्ना लगा दिया? फिर ये गन्ना बो दिया। तो इसमें तो तुम फावड़े से मंडे पड़े बस, एक पानी आया मात्र, एक पानी आया मात्र, फावड़े से कर रहा। हाँ सही, देखिए भाइयों एक पानी में और कोई जुताई नहीं खेत की, फावड़े से इन्होंने इसकी खुदाई करी, फावड़े से मिट्टी चढ़ा रहे हैं। और ये मैंने तो आपको दिखाई दिया, घास वगैरह कुछ नहीं है खेत में, तो मेहनत बहुत कर रहा था मैं, ऐसे ही कौन करते गए थे नहीं है। फुरपलियो।